परस होती हैं। मेकअप परस होना अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल से हर लड़की मेकअप परस्त होती है, और अगर वो अपने उन रिश्तों से ही अच्छा आई और तरीके से नहीं मोहब्बत कर सकती कि जिन रिश्तों के साथ एक लंबी उम्र गुजार कर आई है, तो वो अपने आने वाले रिश्तों के साथ कैसे प्रॉपर तरीके से वो निभाएगी? मैं नहीं कहती कि हर वक्त मैका 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 करना चाहिए, लेकिन एक लड़की के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपने रिश्ते निभाने की, और एक माँ से बेहतर उसको ये चीज़ कोई नहीं सिखा सकता। मेरे बहुत सी जगहों पे हर घर में होती है कि लड़कियाँ जब नई नई शादी होकर आती हैं, कुछ होता है तो कुछ चीज़ें हो रही होती है कि यार ये क्या ये क्या, तो वो आपकी माँ की तरबियत से ज़्यादा आपको कोई चीज़ वहाँ पे, आप जितने मशवरे ले लो जितने कुछ कर लो, लेकिन एक माँ बहुत मायने रखती है कि वो आपको क्या मशवरा दे। तो अम्मा की थोड़ी एक्स्ट्रा तारीफ मैके में तो बनती है, बाकी हम लेडीज़ सारी लेडीज़ ओवर थिंकिंग कर जाती हैं कि ये, तो उसमें अब्बा का सिर्फ ये कह देना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, तो वो आपका माइंड एकदम से चेंज कर देते हैं, हाँ यार हम तो अभी सोच रहे थे। मुझे लगता है कि एक औरत, एक लड़की सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ कैसे गुजारनी है वो अपने माँ बाप को देख कर सीखती है, क्योंकि बचपन से उनके साथ बड़ी हो रही होती है, तो वो उनको देख के सीख रही होती है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो माँ बाप की थोड़ी सी तारीफ बनती है, अगर आप माँ बाप की एक्स्ट्रा तारीफ करें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत पॉजिटिव और अच्छाई अगर मुझ में जो आई है तो वो मेरे अम्मा पापा से ही आई है। उनको देख के मैंने सीखा है कि बहुत बड़े बड़े मसले ज़िंदगी में आए, लेकिन दोनों ने बड़े हंसी खुशी और बड़े आई विश कि मैं मेरे अम्मा पापा को मैं जैसे देख के आई हूँ मैं वैसे ही हूँ। तो लड़कियों अपने मियाँ को प्लीज़ पकाया नहीं करो कि मेरा महंगा नहीं, मेरे भाई है, मेरे घर वाले हैं, ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि हम थोड़ा सा हर जगह कर जाते हैं, लेकिन मियाँ को पकाओ नहीं, लेकिन वहाँ की अच्छी चीज़ें अपनाकर अपनी ज़िंदगी भेजनी है, ताकि किसी को ये ना कहना पड़े कि आप मेकअप परस्त हैं। हाँ, लेकिन वहाँ की अच्छी चीज़ें अपना के कोशिश करो कि आगे भी वैसे ही आप रहो, सारे रिश्ते वैसे ही निभाओ जैसे आप अपने मैके में निभाते हो। तो मेकअप परस्त होना मेरी नज़र में कोई बुरी बात नहीं, बस मेकअप भी अच्छा है, ससुराल भी अच्छा है, एक अच्छे इंसान बन गया, तो ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरेगी। बाकी अल्लाह मालिक है।